नमस्कार गैलवियंस, जय गैलवे, जय भारत। माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम कुश है और आज आपके सामने ग्लेज कंपनी के बिहाफ पर आपके लिए बहुत जबरदस्त, पावरफुल और शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है सर्विस से रिलेटेड। तो मेरी वीडियो को आगे आप देखें, उससे पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेनिंग अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके और कमेंट करके जरूर बताएं। माय डियर फ्रेंड, पूरी दुनिया के अंदर हर कंपनी अपने कस्टमर के लिए बेहतर से बेहतर सेवा देना चाहती है, बट फिर भी वो इस बात को जानती है, चाहे कितनी भी बेहतरीन सर्विस दें, हो सकता है कुछ ना कुछ चैलेंज आ जाए। कोई चाहती नहीं है कंपनी कि मेरे काम करने में कुछ कमी पेशी आए। ठीक उसी तरीके से हमारी कंपनी भी अपनी तरफ से प्रयासरत है। मैं अपने डाटा एनालिसिस बताऊं तो 100 में से 98 ग्राहक हमारे पूर्णतः संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई चैलेंज आ जाता है। उसके लिए हर कंपनी एक डिपार्टमेंट बनाती है जो कि सर्विस को सपोर्ट करने के लिए होता है। इसलिए आप देखिए, बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी से छोटी कंपनी, उसमें कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है, जहां पर आप संपर्क करके अपने हर तरह के चैलेंजेस का समाधान ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज हमारी कंपनी में जो सर्विस है, वो भी बाहर की मार्केट की तरह 1.5-2% का रेशो है। जब लोग कोई ना कोई चैलेंजेस बताते हैं, हमारे पास क्या क्या माध्यम है, आप कैसे इस्तेमाल करके अपने उस चैलेंज को भी जीरो कर सकते हैं, आइए एक स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। फिर आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको कहूंगा, इस वीडियो को आपको खुद सबसे पहले देखना चाहिए और अपनी डाउनलाइन में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाना चाहिए, और इस वीडियो को लगातार देखना चाहिए हर 3 दिन पर, क्योंकि हमारे नेटवर्क में बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आगे चलता हूं अपनी इस बात को लेकर। एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे यहां पर जितने भी गैलवियंस हैं, आप सॉरी, मैं जरा ये स्लाइड आगे है, मैं इसको पीछे कर लेता हूं, आई एम सॉरी। यस, आइए गैलवियंस, पहले ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे माध्यम मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल करके आप ग्लेज से सीधा जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट, आपको किसी की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कस्टमर केयर की सर्विस है, जो कि हर कंपनी के अंदर होती है। मैंने बताया हमारा भी कस्टमर केयर सर्विस है, जिसके अंदर दूसरा ईमेल है, तीसरा ग्लेज का चैटबॉट है, चौथा वर्क लॉग सर्विस है, सिंडिकेट, आरसी, रॉयल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, फ्रेंचाइजी, गैलवे शॉप के लिए, और पांचवा गैलवे कार्ट का कंप्लेन सिस्टम है। एक एक करके मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर माय डियर फ्रेंड है कस्टमर केयर सर्विस, ये सभी के लिए है, कस्टमर केयर, ईमेल और चैटबॉट। कस्टमर केयर के अंदर आप जो हमारा वर्किंग आवर है, जिन दिनों में हमारे ऑफिस खुलते हैं, आप वर्किंग आवर में फोन करके अपनी हर प्रकार के चैलेंजेस आप उनसे बात करके समाधान ले सकते हैं। पहला तो ये माध्यम है सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, किसी अपलाइन के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को तंग मत करिए, आप अपने चैलेंज का समाधान खुद लीजिए। दूसरा, आपको लगता है आजकल एक कल्चर है ईमेल लिखने का कि मैं फोन पे बात नहीं करता हूं, मैं अपनी सारी चैलेंजेस ना ईमेल के माध्यम से बताऊंगा, तो हमारी ईमेल आईडी है cc@glazegalway.com, इस पर आप अपना चैलेंजेस लिखेंगे। महत्वपूर्ण बात, ईमेल आईडी सही होना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि हमने मेल कर दिया, लेकिन ईमेल आईडी गलत होगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मेल आईडी सही समझ के देखिए क्या है और उस पर करना है आपको। जो भी है, आप हिंदी में, इंग्लिश में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा के अंदर, जो 3 भाषाएं मैंने आपको बताई, ईमेल पर अपनी सारे चैलेंजेस बताएं, आपको वहां समाधान मिलेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण है ग्लेज का चैटबॉट। चैटबॉट क्या है माय डियर फ्रेंड? चैटबॉट का एक अलग वीडियो है। ज्यादातर जानकारी के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल इसका एक वीडियो है जो आपके पास आ जाएगा। उसके अंदर आप ग्लेज का चैटबॉट के अंदर एक तरीके से आप जो जो पूछते जाएंगे, कंप्यूटर आपको अपने आप जवाब देता चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि
एक दो तरह के चैलेंजेस को छोड़ देना तो मैक्सिमम हर बात का जवाब आपको जैकपॉट देगा माय डियर फ्रेंड। नोट, इन सर्विसेज के माध्यम से सभी डिस्ट्रीब्यूटर चाहे वो किसी भी लेवल या रैंक का हो कंपनी से संपर्क करके अपने बिजनेस में आ रहे चैलेंजेस के लिए आप समाधान ले सकते हैं। सभी के लिए है ये। कुछ विशेष सुविधाएं विशेष लोगों के लिए है जिसको नाम दिया गया है वर्क लॉग सर्विस, जो कुछ लोगों के लिए है। एग्जाम्पल, अगर कोई गैलवे शॉप ऑनर है, माय डियर फ्रेंड, गैलवे शॉप से रिलेटेड आपका कोई भी चैलेंज है, कोई फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कोई भी चैलेंज है, मेरी विनती है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप किसी रॉयल प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, आरसी के पास, सिंडिकेट के पास कहीं नहीं जाएं। किसी से कोई बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी चैलेंज है, जिस तरह का चैलेंज है, आप वर्क लॉग पे डालें, पूर्ण रूप से वर्क लॉग पे डालें, आपको पूरी तरीके से उसका समाधान मिलेगा। 1% एज ए फ्रेंचाइजी और गैलवे शॉप ऑनर आपने वर्क लॉग डाला, वर्क लॉग की एक समय अवधि है, उसके अंदर आपको ठीक से जवाब नहीं मिला, तब अगले लेवल पर उस प्रूफ के साथ आपको आरसी सर के पास जाना चाहिए कि देखिए सर, मैंने ये काम किया, मेरे को अभी तक रिस्पांस नहीं मिला। हायरार्की बता रहा हूं, कैसे समाधान मिलेगा आपको। आरसी आपका वो स्क्रीनशॉट अटैचमेंट करेगा और फिर कंपनी में वर्क लॉग डालेगा। आरसी का भी जवाब पर कंपनी ने अगर रिप्लाई नहीं किया, तब आरसी अपने एविडेंस के साथ सिंडिकेट सर के पास जाएंगे और उस एविडेंस का स्क्रीनशॉट के साथ कि मुझे जवाब नहीं मिला है, आप सिंडिकेट सर के पास जाएंगे और सिंडिकेट सर को वर्क लॉग डालना चाहिए। सिंडिकेट मतलब वो पूरे इंडिया की फ्रेंचाइजी और गैलवे शॉप को टेक केयर करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि एज ए गैलवे शॉप ऑनर, एज ए फ्रेंचाइजर, आपने अपना वर्क लॉग डाला और वही वर्क लॉग फॉरवर्ड कर दिया आरसी को, वही फॉरवर्ड कर दिया सिंडिकेट को, वही कर दिया अपने प्रेसिडेंट को, वही कर दिया सिंडिकेट अपने रॉयल प्रेसिडेंट को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, समाधान वर्क लॉग पे नहीं मिलेगा, तब आपको इन लोगों तक जाना चाहिए। कभी सिंडिकेट सर भी अवेलेबल नहीं हो पाए या कहीं परेशान है, तो एज ए अपलाइन जो आपके प्रेसिडेंट रॉयल प्रेसिडेंट है, आप उनके पास भी, अगर कोई भी प्रेसिडेंट और रॉयल प्रेसिडेंट है, सिंडिकेट और आरसी है, कोई अगर आपके पास आता है फ्रेंचाइजी और गैलवे शॉप अपना कोई चैलेंज लेके, आपको एक ही बात कहना चाहिए कि आपने वर्क लॉग डाला। जवाब मिल सकता है डाला, आप बोलिए कि उसमें आपको जवाब मिला कि नहीं मिला, उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट मंगाइए। वो बोलेगा सर मैंने वर्क लॉग डाल दिया, सोचा आपको भी बता दूं। बोलो इंतजार कीजिए, वक्त दीजिए, कंपनी आपको अपने आप जवाब देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि चार जगह भेजने से समाधान जल्दी हो जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। एज ए गैलवे शॉप और फ्रेंचाइजर मैं आपको बताता हूं, आपके सिंडिकेट, आरसी, प्रेसिडेंट, रॉयल प्रेसिडेंट सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक समय अवधि है, उसके अंतर्गत इस प्रक्रिया के तहत काम करें। सेम बात मैं बोलूंगा प्रेसिडेंट और रॉयल प्रेसिडेंट को भी, अगर नेटवर्क से रिलेटेड कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कंपनी में आपको जानकारी चाहिए, पता करने की जरूरत है, आप भी उसका वर्क लॉग डाल के इंतजार करें, समय दें, आपको पूर्णतः जवाब मिलेगा। कई बार जवाब ऐसा होता है जो मुझे लगता है इनकम्प्लीट है, तो आप उस वर्क लॉग में कंप्लीट करें। फॉर एग्जाम्पल कि सर इस बार मेरा इंसेंटिव जो है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ऐसा लग रहा है कम बना है, इतना लिखने से नहीं होगा, आपको बनाना चाहिए मैंने इस लाइन में इतना सेल किया, इस लाइन में इतना सेल किया, इस लाइन में इतना बिजनेस किया। अगर कोई कस्टमर केयर में भी कॉल कर रहा है, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं, एग्जांपल इंसेंटिव का दे रहा हूं कि सर इस लाइन से मेरा इतना बिजनेस हुआ तो इतने रुपए के हिसाब से इतना चेक बनना चाहिए, इसमें इतना बनना चाहिए, बट मुझे लगता है मेरा ये कम बना है। आप कस्टमर केयर में बात कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, या आप रॉयल प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है, तो इस तरह से पूरा डिटेल में बनाकर, एक शब्द ये नहीं होना चाहिए मेरा इंसेंटिव कम बना है, नहीं, आपका कम कैसे बना है आप ही बताओगे, उसको फिर यहां आप भेजेंगे, हमारी जो सीसी डिपार्टमेंट है उसको आगे जो हमारा इंसेंटिव जहां से चेक होता है कंफर्म करके आपको जवाब देंगे। तो विस्तार से आप लिखें और विस्तार से जवाब लें। ये प्रक्रिया इसलिए है माय डियर फ्रेंड, ताकि पूरा फोकस हमारा काम पे हो।
एज ए गैलवे शॉप, एज ए फ्रेंचाइजर, एज ए लीडर, एक कोई भी चैलेंज आता है हम सबको हिला के रख देते हैं और डिस्टर्ब होकर हमारा काम पे से ध्यान हट जाता है, इसलिए मैं महत्वपूर्ण है। इसके बाद भी जो अगला पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका, है गैलवे कार्ट कंप्लेन सिस्टम, गैलवे कार्ट यूजर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ने से पहले नीचे बता देता हूं, नोट, नो नीड टू गो कस्टमर केयर नंबर, ईमेल करने की जरूरत नहीं है, ग्लेज के चैटबॉट पे जाने की जरूरत नहीं है, वर्क लॉग डालने की जरूरत नहीं है, और अपने किसी अप्लाइंट को गैलवे कार्ट रिलेटेड चैलेंज बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप गैलवे कार्ट कंप्लेन सिस्टम को फॉलो करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा करके ना एक तरीके से समझिए आप अपनी सभी अप्लाइंग का समय बर्बाद करते हैं। हाँ, जो मैं बताने जा रहा हूं, इस सिस्टम में अगर कहीं कोई चैलेंज आता है तब आपको अपनी अप्लाइंग के पास जाना चाहिए, जो मैंने पहले आपको बताया है। आप गैलवे कार्ट यूजर हैं तो आपने गैलवे कार्ट पे अपना ऑर्डर प्लेस किया है, अगर उसमें आपको ऑर्डर से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप गैलवे कार्ट कंप्लेन सिस्टम के माध्यम से अपनी शिकायत कंपनी में दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मेरा एक बार उबर के अंदर उन्होंने ज्यादा पैसा चार्ज कर लिया। उबर एक ऐप है आप जानते हैं जिससे गाड़ी बुक करते हैं, मैंने अपनी परेशानी उसके अंदर लिख कर दी, उन्होंने मुझे उसी के अंदर जवाब दे दिया, उसमें ऑप्शन है वहां पर जाके लिखने का। तो यहां पर गैलवे कार्ड से संबंधित शिकायत दर्ज करने, उसे ट्रैक करके प्रोसेस के बारे में गैलवे कार्ड वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों माध्यम से विस्तृत वीडियो आप सभी के पास गैलवे एजुकेशन हब पर उपलब्ध है, आप वीडियो जरूर देखें। अगर आपको नहीं मालूम है मुझे कैसे कंप्लेन करना है, मुझे कैसे अपने कंप्लेन को ट्रैक करना है, तो आपकी वीडियो भी अलग से बनी हुई है एजुकेशन हब के ऊपर, आप वेबसाइट के थ्रू भी इसको कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के तहत। तो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आपका ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तरह से आपका एक एक ऑर्डर आपकी अपलाइन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी भी तरह के चैलेंज के लिए, फिर बोल रहा हूं, कस्टमर केयर पे नहीं कॉल करना, कोई ईमेल नहीं करना, चैटबॉट पे नहीं जाना, वर्क लॉग नहीं डालना है, किसी अपलाइन को तंग नहीं करना है, आपका ऑर्डर है आप वहीं पर जाकर लिखें, आपको पूरा समाधान मिलेगा। और ये एक हमारी कंपनी की प्रक्रिया नहीं है, वर्ल्ड वाइड ऐसा ही होता है, और ईश्वर ना करे हम तो एक स्टेप आगे हैं। अगर आपको लगता है कि यहां चैलेंज आ रहा है तो आपके पास आपकी इतनी सारी अपलाइन है जो आपको अगर यहां सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर उसको वर्क लॉग के माध्यम से यहां पर डायरेक्ट कंपनी में भी कर सकते हैं कॉन्टेक्ट, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर आप ये फॉलो करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा सभी गैलवे कार्ट यूजर से, जितने गैलवे कार्ट के लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, आप खुद करें, सीखें, इसके लिए वीडियो है, किसी को परेशान ना करें। आगे बताता हूं माय डियर फ्रेंड, ये तो मैंने अभी तक आपको मेन जो फाइव माध्यम है जिसके अंदर आप कैसे कैसे कर सकते हैं बताया। अपलाइन को डिस्टर्ब करने के लिए मना क्यों कर रहा हूं, कारण बताता हूं, अपलाइन के पास सीमित समय है, अपलाइन क्रिएटिविटी का काम करते हैं, अपलाइन का काम फॉलो अप करने का है, आपको प्लानिंग देने का है, और जब कंपनी सपोर्ट ना करे तब अपलाइन के पास जाने का है। अपलाइन में रॉयल प्रेसिडेंट है, सिंडिकेट है, आरसी है, जो भी लोग हैं रॉयल, जो भी आपकी अपलाइन है, तो उनको तब आप तंग करें। और मेरा सुझाव है कि मतलब कोई भी चैलेंज है ना आप सॉल्व करें, और एक कई बार लोग मेरे को भेज देते हैं, मैंने बोला कि आपने मुझे ये कंप्लेन भेजा, क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, हम कंप्लेन डाले तो सोचे आपको भी भेज दे देते हैं, क्या जरूरत है मुझे भेजने का? एक व्यवस्था बनाई गई है, एक प्रक्रिया बनाई गई है, उसका इस्तेमाल करें माय डियर फ्रेंड। प्लीज अपना कोई भी एक चैलेंज 10 जगह पे मत फैलाएं, नेटवर्क मार्केटिंग है, यहां पर बाहर में भी दिक्कत आती है लेकिन बाहर की दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं लगती है ट्रेडिशनल मार्केट में, क्योंकि एक व्यक्ति की कंप्लेन कंपनी और उस व्यक्ति तक सीमित होती है। हमारे यहाँ पर इतनी अपलाइन है, हायरार्की है, एक कंप्लेन 15 लोगों तक आप भेजते हैं, और 4 कंप्लेन भेज दिया 15 लोगों तक, कंप्लेन 4 है लेकिन लोगों को मीटिंग में लगता है ये तो 60 कंप्लेन हो गया,
दिक्कत इतनी बढ़ गई। दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ हमारे यहां पर करीब 98% प्लस सर्विसेज बेस्ट है। डाटा के साथ जब दिल्ली में आपकी अपलाइन आए थे हमने दिखाया, हाँ 1.5-2% है जहां कोई दिक्कत परेशानी रहती है। क्यों? और उसमें भी जैसे कि हम जहां पर थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है, कोरियर कंपनी पे डिपेंडेंट है, कई बार कोरियर बॉयज भी गड़बड़ कर सकते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं कि गलती नहीं होती है, हो सकती है, इसीलिए 1.5-2% का रहता है। आपने ऑर्डर किया, आपके पास बोल दिया गया डिलीवर है, लेकिन आपको मिला नहीं, उस कुरियर बॉय की गलती हो सकती है, गलत हो सकता है, बेईमानी आ सकती है, आप कंप्लेन कीजिए ना, समाधान मिलेगा। समस्या को फैलाना नहीं है, समस्या का समाधान चाहिए। इसके लिए खुद काम करें, अकेले काम करें और देखिए कितना अच्छा आपको जवाब मिलता है। विश्वास दिलाता हूं ग्लेज के बिहाफ पर, ग्लेज के सीसी डिपार्टमेंट के बिहाफ पर, मेरे एक एक ग्लेज कंपनी के इंप्लॉई के बिहाफ पर, क्योंकि ग्लेज के इंप्लॉई में भी हमारे डायरेक्टर्स जैसा ही स्वभाव है, वो भी पूरी जान लगाते हैं कि आपको कोई चैलेंज नहीं आए। तो एक बार उन्हें मौका तो दीजिए, मत बताइए अपलाइन को, खुद कीजिए। अब आगे बढ़ता हूं कि कुछ ऐसे चैलेंजेस है माई डियर फ्रेंड, जैसे लिखा है ना, कस्टमर केयर सर्विस हो, ईमेल हो या चैटबॉट हो, ये 4-5 ऐसी दिक्कत है जिसको लेके लोग सबसे ज्यादा क्वायरी करते हैं, सबसे ज्यादा कॉल बोलो ईमेल बोलो इसी के लिए आता है। पहला, इंसेंटिव के बारे में। अब एक बात बताइए आपको ना, हमारा अपना आईआर गेटवे देखना चाहिए। चैलेंज करता हूं, चैलेंज, पूरे भारत की किसी कंपनी में इतना सुंदर और इतना बढ़िया आईआर गेटवे नहीं होगा। जितनी डिटेल, जितनी जानकारी हमारे आईआर गेटवे में है, किसी कंपनी के अंदर नहीं है। आप कई बार फोन करके चैट पे लिखते हैं मेरा इंसेंटिव कितना है, माय डियर फ्रेंड वो इंसेंटिव आप खुद पता कर सकते हैं। गैल्वे एजुकेशन हब पर इसकी पूरी डिटेल में वीडियो है कि आप अपना इंसेंटिव कैसे चेक कर सकते हैं। और वैसे भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो नेटवर्क मार्केटिंग है, अपलाइन की हायरार्की है, अपलाइन से जाके बात करो ना, अपलाइन है किस लिए यहां पर। लेकिन अगर आपको खुद भी करना है तो पूरा वीडियो बना हुआ है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं कैसे करना है इंसेंटिव को लेकर। दूसरा है बिजनेस प्लान से संबंधित। माय डियर फ्रेंड, इसके लिए सबसे अच्छी जगह है या तो अपलाइन। बिजनेस प्लान में अगर आपको कुछ पूछना है, समझना है, मैंने अपलाइन क्यों बताया आपको, आप हमारे यहां कई बार क्वेश्चन करते हैं, भेजते हैं, उससे सबसे बेहतर है हमारी अपलाइन। स्टाफ यहां पर काम कर रहे होते हैं, कई अपनी तरफ से वो जवाब देते हैं, बट जितना बढ़िया अपलाइन बताएगा उतना बढ़िया, क्योंकि अपलाइन नेटवर्कर है, उसको मालूम है मुझे अपनी डाउनलाइन को कौन सी बात किस तरीके से बतानी है, कितने अच्छे तरीके से रखनी है। कंपनी के अंदर जो स्टाफ है वो तो एक तरह से पोस्टमैन का काम करेगा, नॉर्मल सामान्य बता देगा। इसलिए सुझाव, अपलाइन से संपर्क करें, या गैल्वे एजुकेशन हब पे ट्रेनिंग दी गई है, आप वहां पर जाके प्लान के बारे में समझिए, सबसे बेहतरीन। और मैं सुझाव देना चाहूंगा सभी अपलाइन और डाउनलाइन को, साप्ताहिक बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग आपको अपने नेटवर्क में देने का कल्चर डालना चाहिए, बिकॉज हर हफ्ते कुछ ना कुछ नए लोग हमारी टीम में जुड़ रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, ड्रीम बनाने के लिए, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस प्लान। पैसा ज्यादा आएगा कैसे, मुझे करना क्या होगा, बेहतरीन कौन बताएगा, कस्टमर केयर नहीं, आपकी अपलाइन बताएगी आपको। अपलाइन से मिलना चाहिए और बात करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। और मैं सभी अपलाइन को रिपीट कर रहा हूं, हर हफ्ते बिजनेस प्लान का सेशन जरूर होना चाहिए, हर हफ्ते आईआर गेटवे को देखने का सेशन होना चाहिए। थर्ड, जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग क्वायरी करते हैं, बैंक और पैन को लेकर। माय डियर फ्रेंड, गैल्वे एजुकेशन हब पर विस्तृत वीडियो आप सभी के लिए उपलब्ध है, आप कैसे अपना पैन और बैंक कार्ड अपलोड कर सकते हैं, आप वीडियो देखिए। अवेयरनेस, जितना अवेयर करेंगे हमारी टीम उतनी मजबूत होगी। एक जमाना था हमारे देश में लोग टीवी से मर जाया करते थे, हमारे देश में पोलियो हुआ करता था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अवेयरनेस फैलाया,
लगातार सारी चीजें बताई। आज के दिन में भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए जाते हैं। एक जमाना था कि बच्चे हमारे हैंडीकैप हो जाते थे, आज ये केस नहीं मिल रहा है। कैसे? गांव में घर घर तक पहुंचाया गया कि दो बूंद पिलाना जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, अवेयरनेस, मैंने शुरू में ही वीडियो के बोला था, इस वीडियो को सप्ताह में दो बार जरूर देखिए, तीन दिन में एक बार जरूर देखिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है। चैलेंज 2% ही आता है, लेकिन इस तरह से फैल जाता है कि लगता है लोगों को 25% 30% प्रॉब्लम है और भैया कंपनी में दिक्कत ही दिक्कत है। तो थोड़ी प्रॉब्लम है, साथ के साथ समाधान मिल जाएगा। एक लाइन लिखी गई है, पैन और बैंक को अपलोड करते वक्त आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, डिटेल तो वीडियो आपको देखना ही चाहिए। बैंक और पैन में दी गई केवाईसी डिटेल आपकी कंपनी में दी गई केवाईसी डिटेल से मैच होनी चाहिए, जो दोनों चीजें सेम होना चाहिए। मेरा नाम है कुश, के यू एस एच है नाम की स्पेलिंग, कुमार के यू एम ए आर, ग्लेज में कुश कुमार के नाम से जुड़ा हूं, लेकिन मेरा जो बैंक में अकाउंट है या पैन कार्ड है के यू एस के नाम से है, एच नहीं है उसके अंदर, ये वैलिड नहीं है। जो कंपनी में नाम है वही, जितनी डिटेल कंपनी में है सेम आपके पैन कार्ड में और सेम आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अपलोड करने से पहले चेक कर लीजिए, केवाईसी कंपनी में अपलोड होना चाहिए। अगर आपका केवाईसी कंपनी में अपडेटेड नहीं है तो आपका बैंक और बैंक वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। भाई मिलाएंगे किससे, समझने की बात है, मैच किससे करेगा हमारे ऑफिस में बैठे हुए स्टाफ। तो पहले अपना केवाईसी सही से इंप्लीमेंट करें, एक एक अक्षर ठीक से मिलाएं। जैसे कभी हमने अगर परीक्षा का फॉर्म भरा है तो फॉर्म 5 मिनट में भर दिया जाएगा, हम आधा घंटा लगा के भरते हैं ताकि गलती नहीं हो। परीक्षा मेरे जीवन का सवाल है, ऐसे ही इंसेंटिव जाना है भाई साहब आपको, आपकी मेहनत के मिलने वाले पैसों का सवाल है, समय पर मिले, कंपनी चाहती है समय पर मिले, सही समय पर अपलोड करें। अपलोड की गई बैंक और पैन की फोटो बिल्कुल स्पष्ट दिखनी चाहिए, खींचते ही पता चल जाता है आपको। खाना पूर्ति ना करें, आपका काम लेट हो जाएगा और ऑफिस में बैठे स्टाफ का भी काम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। खींच के देखें, स्पष्ट है, पढ़ा जा रहा है उसको बड़ा खींच के देख लें, ब्लर तो नहीं है कहीं पर। जो डिस्ट्रीब्यूटर अपना बैंक अकाउंट हो तो आप पैन कार्ड को अपलोड करें, नहीं तो आपको बैंक और पैन रिजेक्ट हो जाएगा, यानी साफ करना जरूरी है माय डियर फ्रेंड। ये थोड़ा बैंक पैन को लेके था। लास्ट में गैलवे कार्ड ऑर्डर, आइए गैलवे कार्ड से संबंधित हम डिटेल में बात करते हैं। हम लोग गैलवे कार्ड को लेकर डिटेल में क्यों बात करना चाह रहे हैं कि थोड़ी बहुत अगर ग्लेज में क्वायरीज है तो इस बेस्ट सर्विस की वजह से है। ये जो ग्लेज में इतनी बेहतरीन सर्विस है गैलवे कार्ड की, उसकी वजह से। हालांकि मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि आपके अगल बगल में जितनी फ्रेंचाइजी है और गैलवे शॉप है, चाहे वो 5 किलोमीटर दूर है, पहली प्राथमिकता आप नजदीक से जाकर प्रोडक्ट खरीदने पे रखिए। दो वजह है, आपके अगल बगल में है वो सामान बेचेंगे तो 2 रुपए का प्रॉफिट उनको भी होगा, साथ के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, पैसा दिया प्रोडक्ट हैंड टू हैंड ले लिया, कोई चैलेंज नाम की चीज ही नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग ज्यादा से ज्यादा गैलवे का गैलवे शॉप और फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट खरीदें। मेरा आग्रह है आप लोगों से, जिस एरिया में नहीं है वहां पर खुलवाएं, पहले से प्रोडक्ट मंगाएं और लोगों को दें। ऑफ कोर्स जहां पर नहीं है फिर उस एरिया में गैलवे कार्ड के ऊपर आए आप, लेकिन इसमें भी कई बार कुछ चैलेंजेस आते हैं। आइए थोड़ा सा मैंने आपके सामने ये चीज लिखा है, तो आइए जानते हैं अपने गैलवे कार्ड ऑर्डर की समय पर डिलीवरी लेने के लिए आपको अपने लेवल पर कौन कौन से प्रोसेस को ठीक करना, ठीक से पूरा करना होगा। हम ठीक से प्रोसेस पूरा करेंगे, सारा काम ठीक से होगा। हमारे एंड पर भी कुछ मिस्टेक होता है माय डियर फ्रेंड, चैलेंज होता है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। समझिए 4, 5, 6 पॉइंट है आपको मैं बताता हूं। जितने भी गैलवे कार्ड यूजर हैं इनका ध्यान रखिए, और मैं अपलाइन को बोलूंगा कूट कूट के एक एक गैलवे कार्ड यूजर के दिमाग में ये बात बिठा दीजिएगा कि इन बातों का तो ध्यान रखें ही रखें। गारंटी देता हूं एक भी चैलेंज नहीं आएगा, विश्वास रखिए मेरी बात का, लेकिन इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक एक डाउनलाइन को दिखाना पड़ेगा। मेरा ये वीडियो लोगों को एहसास कराने के लिए हर 3 दिन पर जीवन भर दिखाते रहना पड़ेगा। पहला पॉइंट, अपने एड्रेस को
शिपिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस कहां होता है, जहां पर आप डिलीवरी लेना चाहते हैं, पूरा भरे, विस्तृत एड्रेस भरे, शॉर्टकट नहीं मारे, डिटेल में भरे, जिसमें आपका गांव, शहर, जिला, राज्य की पूरी जानकारी क्रम में लिखी हो, साथ ही एक लैंडमार्क भी हो एड्रेस में कि नजदीक कहां है, लैंडमार्क में आपके एड्रेस के बिल्कुल नजदीक की फेमस जगह हो। लैंडमार्क का मतलब 5 किलोमीटर दूर की जगह नहीं लिखनी होती है, लैंडमार्क का मतलब आपके घर के नजदीक सबसे प्रसिद्ध क्या है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई स्कूल है जो प्रसिद्ध है, जिसको सब जानते हैं, चाहे वो आगे लिखा भी है स्कूल आदि, जो आपके घर की लोकेशन ट्रैक करने में मददगार हो। जैसे मैं दिल्ली विकासपुरी में रहता हूं, तो जब मैं विकासपुरी बोलता हूं तो लोग बोलते हैं कहां पे, तो मेरे घर के नजदीक पीवीआर सिनेमा है, पीवीआर सिनेमा पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि सिनेमा हॉल है। अच्छा अच्छा, सिनेमा हॉल के नजदीक रहते हैं आप, तो वो एक फेमस लैंडमार्क हुआ। जो लोग दिल्ली में अगल बगल नजदीक रहते हैं, तो मेरे घर के नजदीक एक केरला पब्लिक स्कूल है, वो मेरा लैंडमार्क है। मेरे घर के नजदीक में एक नर्सिंग होम है, वो मेरे घर का लैंडमार्क है। जहां लोग आसानी से समझ जाते हैं, तो लोग इसको मदद रहेगा। पहला, डिटेल में लिखें, पूरा अच्छा लिखें, कि लोगों को क्रॉस चेक भी ना करना पड़े, डिटेल में। सबसे पहला, यहां पर ज्यादातर ऑर्डर के अंदर लोग एड्रेस कंप्लीट नहीं भरते हैं, पहला ये प्रॉब्लम होता है। फिर वो ऑर्डर आपका रुक जाता है, यहां से आपको कॉल करवाया जाता है, आप फोन नहीं उठाते हैं भाई साहब। दूसरी बार कॉल किया जाता है, आप फोन नहीं उठाते हैं। तीसरी बार तक में ऑफिस बंद हो जाता है, एक दिन आपका ऑर्डर डिले हो गया, अगले दिन आपसे फोन उठाया जाता है, बात किया जाता है। वो भी डिपेंड करता है कब आपने फोन उठाया, क्योंकि जब तक एड्रेस सही नहीं होगा, कोरियर कैसे जाएगा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा, डेटा के अनुसार, जो डेटा कहता है 45% डिस्ट्रीब्यूटर शाम 6 बजे के बाद अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, इसलिए आप कोशिश करें अपने ऑर्डर को मॉर्निंग में लगाएं, ताकि आपके ऑर्डर उसी दिन वर्किंग डे में प्रोसेस के लिए चला जाए। माय डियर फ्रेंड, आपने जिस दिन ऑर्डर लगाया शाम को 5 बजे के बाद, ऑफिस बंद हो गया, स्टाफ घर चले गए हैं, लेकिन आपके लिस्ट में दिख जाएगा क्या, आपने 1 तारीख एग्जाम्पल शाम को 5 बजे लगाया, तो बोलोगे सर हमने तो 1 तारीख को ऑर्डर किया, बट 1 तारीख को कब किया, जब वर्किंग आवर खत्म हो गया तब किया आपने, क्या फायदा। और आपकी लिस्ट में तो चढ़ गया कि 1 दिन हो गया, इसमें भी कमाल हो जाता है भाई साहब। भगवान ना करे आपने जिस दिन ऑर्डर शाम को किया, अगले दिन ऑफिस की छुट्टी शनिवार होने की वजह से, अगले दिन छुट्टी रविवार होने की वजह से, तो और बाय चांस कोई बीच में सरकारी छुट्टियां आ गई, तो 2-3 दिन तो आपका ऑर्डर हुआ ही नहीं ना। तो अब आप क्या बोलेंगे अपलाइन को कि सर 4 दिन हो गया ऑर्डर किए हुए, देखिए ना सर ऑर्डर निकला भी नहीं है। मेरे भाई, जिस दिन ऑर्डर किया उस समय ऑफिस बंद होने का समय था, बीच में 3 दिन छुट्टी हो गई, तो मेरे भाई वाकई में 4 दिन के बाद तो तुम्हारा ऑर्डर दिखेगा ही, उसमें भी एड्रेस ठीक होगा तब आगे बढ़ेगा, नहीं तो शायद एड्रेस इनकम्प्लीट होने पर और ऐसी सिचुएशन में समय अधिक लग जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। सुबह करना है ना, सुबह 7-8 बजे करिए ना मॉर्निंग में ऑर्डर, नहीं तो अगर आप एक तरह से शाम 5 लिखा है, मैं कहता हूं 2 बजे के बाद भी अगर आप ऑर्डर करते हैं ना, तो आपका ऑर्डर कोरियर कंपनी के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा। एड्रेस सही होगा, 2 बजे से पहले होगा, तो मान के चलिए, ऐसा मान के चलिए कि वो दिन ऑर्डर आपका निकल सकता है, नहीं तो अगला दिन जाएगा ही जाएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, ऑर्डर करने के बाद अपने फोन नंबर जो आपने ऑर्डर करते वक्त दिया है या पहले से डेटा में मौजूद है, हर वक्त ऑन रखें, ऑन रखना जरूरी है, और कंपनी या कुरियर सर्विस के द्वारा उस नंबर पर आने वाले प्रत्येक कॉल को रिसीव जरूर करें। माय डियर फ्रेंड, ये ऐसी बात है, हम बहुत सारी मीटिंग्स में रहते हैं, बहुत सारी जगहों पर काम कर रहे होते हैं। एक समय था, मुझे याद है, जब मैंने नया नया मोबाइल खरीदा था, तो मैं सरबजीत सर को बोला था कि सर 4 दिन हो गए कोई मुझे फोन भी नहीं करता है, मतलब क्या आपने मोबाइल दिला दिया है मेरे को। आपने बोला था बहुत लोग तुझे फोन करेंगे, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैंने एंटर किया था, होता नहीं है कि शुरू में, मैं बात कर रहा हूँ 19 साल पहले की, उस समय फोन एक बहुत बड़ी चीज थी। सरबजीत सर ने बोला था फोन ले तू, क्यों लू सर, तेरी डाउनलाइन तुझे फोन करेगी। अच्छा सर, मैंने ले लिया फोन दोस्तों जोश में आकर, लेकिन 5-5 दिन तक कोई फोन ही नहीं करता था। तो मैंने सरबजीत सर को कहा था, मैंने कहा सर कोई फोन नहीं करता है, तो उस समय मेरे सर ने विजन दिया था, आपको भी विजन देना चाह रहा हूं। आज तू फोन का इंतजार कर रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा
लोग फोन करते रहेंगे और तू उठाएगा नहीं। माँ ग्लेज की कृपा से, मेरे अपलाइन की कृपा से, हमारे डायरेक्टर्स की वजह से, मेरे डाउनलाइन के सपोर्ट की वजह से वो वक्त आया दोस्तों। और आप सब में से भी बहुत सारे लोग के पास ऐसा होगा कि आप सबका फोन नहीं उठा पाते होंगे, लेकिन जब मुझे पता चल जाता है कि बैंक मुझे फोन करने वाला है किसी कारण से, या कई सारी चीजें मैं भी ऑनलाइन ऑर्डर करता हूं, तो वहां मुझे पता चल जाता है कि हो सकता है कि कोई मुझे फोन कर बैठे, तो माय डियर फ्रेंड फिर मैं सारे फोन उठाता हूं, मैं फिर सारे कॉल्स उठाता हूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मेरे काम से संबंधित कौन सा कॉल होगा, इतनी व्यस्तता है इस वजह से। माय डियर फ्रेंड, आपको तो वैसे भी सारे कॉल उठाने चाहिए, सारे फोन, इसीलिए आपको मैंने बोला है ध्यान रखिए। आगे आता है, ध्यान रखें आपके मोबाइल नंबर की तकनीकी खामी की वजह से कंपनी या कोरियर सर्विस द्वारा की गई कोई भी कॉल ड्रॉप ना हो। कई बार कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो कोई है, जैसे मैंने अभी वीडियो आपके साथ बना रहा हूं, मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है, फ्लाइट मोड में है मेरा फोन अभी, लेकिन अगर फोन ऑन होता है मेरा और कोई मिस कॉल अलर्ट में नंबर आता है, मेरा काम है उन सबको कॉल बैक करना। क्या मेरे इंपॉर्टेंट काम का तो नहीं था? याद रखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप अपने किसी डाउनलाइन अपलाइन का ऑर्डर बुक करते हैं, कई बार हम डाउनलाइन और अपलाइन का भी ऑर्डर बुक करते हैं, पहली बात प्रयास कीजिए वही उनकी आईडी से कराएं ताकि वो सीखे, लेकिन करते हैं तो उन्हें भी ये सारी जानकारी दें ताकि प्रोडक्ट की डिलीवरी बिना किसी असुविधा के समय पर हो सके। कई बार होता भी क्या है, थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, ऑर्डर मैंने किया वहां पर और मैंने फोन नंबर डाल दिया, एग्जांपल मैंने अपनी डाउनलाइन का ऑर्डर किया, लेकिन फोन नंबर किसका देना चाहिए, डाउनलाइन का, लेकिन अपना नंबर दे दिया, मेरा ऑर्डर तो है नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैं फोन ही नहीं उठाता हूं। इसीलिए जिसका ऑर्डर हो उसी का नंबर डलवाएं और बोले हर फोन उठाने के लिए। लिखा है ऑर्डर करने के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ऑर्डर करने के बाद दिन में एक बार कम से कम समय समय पर अपने ऑर्डर की ट्रैकिंग भी करते रहे। ट्रैकिंग कैसे करनी है इसका पूरा वीडियो गैलवे, चाहे वेबसाइट से हो या एप्लीकेशन से, आपके पास उपलब्ध है गैलवे एजुकेशन हब पर। कैसे देखना है, कैसे ट्रैक करना है, चेक करते रहना चाहिए, मिस्टेक कभी होगा ही नहीं। अच्छा मेरा ऑर्डर अभी दिल्ली से निकल गया है, ओके मेरा ऑर्डर, अगर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि बिहार के अंदर समस्तीपुर जाना है एग्जाम्पल, तो पता चलेगा कि मेरा ऑर्डर इस समय ओके पटना पहुंच चुका है। रोज आप देखते रहोगे तो पता चलेगा, मेरा घर समस्तीपुर से 15 किलोमीटर दूर एरिया में है, फिर मेरा ऑर्डर ओके समस्तीपुर पहुंच चुका है, उस जगह पर पहुंच गया है, आपको रोज पता चलता रहेगा। भूलवश गलती से, अगर मैं कहता हूं कोरियर कंपनी ने गलती कर दी, आपको दिखा दिया प्रोडक्ट डिलीवर, पूरी दुनिया में अच्छे और खराब दोनों लोग होते हैं। कई बार कोरियर कंपनी के जो बॉयज हैं वो कौन है, नॉर्मल और सामान्य लोग हैं, वो लोग हो सकता है कि डिलीवरी ना करे और दिखा दे डिलीवर हो गया, तो समय दिया गया है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर डिलीवर दिखा दिया तो कितने वर्किंग डे में आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये ट्रैक करते रहेंगे तो ऐसा 1000 में 1-2 केस आ जाता है, तो फिर क्या होगा, आप कंप्लेन करेंगे, तो उसका पूरा आगे प्रोसेस है, वीडियो में बताया गया है। फिर हम लोग कोरियर कंपनी को सारे एविडेंस देते हैं कि इसका हमें नहीं ऑर्डर डिलीवर हुआ है, तो वो फिर हमें सारे एविडेंस देते हैं। तो दो कंडीशन होती है, पुराने समय में हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने ग्लेस के साथ भी गलत किया, ऑर्डर मिल गया लेकिन बोल दिया मुझे नहीं मिला है, ऐसा अगर कोई पाया गया पहले भी हमने, अगर किसी ने झूठ बोला और वो प्रूफ होता है तो कंपनी उसके ऊपर एक्शन लेगी, और अगर सच में नहीं हुआ तो कोरियर कंपनी कोई सबूत नहीं दे पाता है माय डियर फ्रेंड, तो कोरियर कंपनी बोलता है कि हां जी मेरे लड़के ने गलती किया, इस कंडीशन में उतना टाइम अधिक और लगेगा ही कि आपका दोबारा ऑर्डर बनेगा और दोबारा आपके पास जाएगा, लेकिन ऐसा 1000 में 1 केस होता है। तो लेकिन आपको ट्रैक करते रहना जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं, और ईमानदारी से काम करें, मिल गया ऑर्डर तो लिखें मिल गया है, गलत चीज पे ना जाएं, क्योंकि इससे कंपनी की भी छवि खराब होती है, चार्ज बैक का केस लगता है कंपनी के ऊपर कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ गलत किया है। तो माय डियर फ्रेंड ध्यान रखिए, यदि आप कॉल पर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो आपका ऑर्डर रिसीव नहीं करते हैं तो आपका ऑर्डर RTO हो जाता है। अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, फोन मंदरा, कुछ भी कारण से आपका ऑर्डर RTO हो जाता है। क्या है RTO?
क्या होता है ऑर्डर का आरटीओ होना, आप नहीं रिसीव करते हैं तो आरटीओ हो जाता है। क्या है आरटीओ? आरटीओ क्या है? रिटर्न टू ओरिजिन, इसका फुल फॉर्म है। मतलब होता है आपका ऑर्डर आपको डिलीवरी नहीं हो पाने की वजह से कोरियर कंपनी द्वारा वापस कंपनी के वेयर हाउस में भेज दिया गया है, जिसे आरटीओ कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड, किन कारणों और स्थितियों में आपका गैल्वे कार्ड ऑर्डर आरटीओ हो जाता है? आपके दिए गए शिपिंग एड्रेस पर कस्टमर का खुद मौजूद ही नहीं होना, घर गए, घर में ताला लगा हुआ है, कोई रीजन है, आप नहीं अवेलेबल हैं, पहला कारण। कस्टमर का फोन नंबर स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल, रॉन्ग नंबर, इनकमिंग सर्विस बंद होने के कारण, या फिर कस्टमर समय पर कॉल रिसीव नहीं करता है। जिस कस्टमर के लिए आपने ऑर्डर प्लेस किया उसे जानकारी ही नहीं होना कि उसके अपलाइन ने उसके लिए ऑर्डर लगाया है। अपलाइन ने ऑर्डर लगा दिया, डाउनलाइन को मालूम नहीं है। कुछ एक केस ऐसे भी आते हैं, एक आधा आता है, ज्यादा नहीं आता है, कि डाउनलाइन कहता नहीं मेरा तो कोई सर्विस ही नहीं है, हमारा ये निकल कर आ जाता है। फिर उसकी अपलाइन बताती है, अरे भाई मैंने किया था तेरे नाम पर ऑर्डर, तो इसमें ये आरटीओ हो गया। माय डियर फ्रेंड, ऑर्डर डिलीवरी के आरटीओ हो जाने से कस्टमर के लिए क्या नुकसान है, पहले ये समझिए आप। नुकसान दोनों तरफ से है, कंपनी का भी नुकसान है, लेकिन मैं पहले आपका नुकसान बताऊंगा। पहले कंपनी का नुकसान यह है कि कंपनी को दोबारा दोबारा पैसे पे करने पड़ते हैं, वो तो कंपनी का नुकसान है। ऑर्डर की डिलीवरी नहीं हो पाने की वजह से बतौर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर के लिए पहली बात तो बिजनेस का नुकसान होता है आपका। जो प्रोडक्ट समय पर मिल जाएगा, पॉजिटिविटी आएगी, लोग पॉजिटिव रहेंगे, बोलेंगे अरे वाह मेरा सामान तो समय पर मिल गया, वो पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो बिजनेस का फायदा होता है, अगर समय पे ना मिले तो नुकसान। दूसरा, साथ ही साथ उस ऑर्डर की डिलीवरी होने में जितना वक्त लगना था, एवरेज है ये, हो सकता है 10 से 15 दिन या उससे ज्यादा या उससे कम, और उस डिलीवरी में तभी हो पाएगी जब अगली बार भी, ये भी याद रखिए, पहली बात तो समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगली बार भी आप फोन उठाएंगे ना, तब उसके बाद ये आपका ऑर्डर डिलीवर होगा। ये बड़े सारे नुकसान है माय डियर फ्रेंड। क्यों अपना नुकसान करना, किस लिए अपना नुकसान करना माय डियर फ्रेंड? पहली बार में प्रोडक्ट लें, और सबसे बेहतरीन गैल्वे शॉप और फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट लें। ऑर्डर को आरटीओ करने से पहले, ये याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, पहले कुरियर सर्विस आपसे 3 बार संपर्क करने का प्रयास करती है, साथ ही कंपनी भी अपने स्तर पर 3 से 4 बार आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि इतने कांटेक्ट किए जाने के बाद भी आप रिस्पांस नहीं देते हैं तो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, उसके बाद आपका ऑर्डर आरटीओ कर दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड, बिजनेस का नुकसान है। क्या ग्लेस चाहेगा बिजनेस का नुकसान हो? आपका नुकसान, कंपनी का नुकसान बराबर है। और वो कोरियर कंपनी का प्रोटोकॉल है कि कम से कम 3 बार आप लोगों को कॉल जरूर करना है। तो माय डियर फ्रेंड, इतने प्रयास करते हैं वो, इतना सब कुछ करते हैं, प्लीज आप हर बात जो पीछे मैंने बताई है उसका ध्यान रखें और ख्याल रखें मेरे दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी तरफ से सर्विस को लेकर सारी बातें आपको समझाई और बताई हैं। मैं एक एक अपलाइन को कहूंगा वीडियो को जरूर देखें, अभी तक किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी और नई नई जो वीडियोस हैं उसका आपको बेनिफिट मिल सके। सर्विस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है माय डियर फ्रेंड। सर्विस ठीक तो हमारे यहां पर नेटवर्क में पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी। इसलिए हर अपलाइन का फर्ज बनता है हर 3 दिन पर खुद डुप्लीकेशन के सिद्धांत का ध्यान रखते हुए 3 दिन पर खुद वीडियो देखे, अपनी डाउनलाइन को दिखाए, हर नए जुड़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को ये वीडियो दिखाए माय डियर फ्रेंड, और बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, बहुत तरक्की होगी। तो मेरी तरफ से मेरी सभी डाउनलाइन को भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। ग्लेज में आपका कैरियर बहुत सुनहरा है, चैलेंज देके कहता हूं, जितनी बेहतरीन सर्विस ग्लेज कंपनी में है, जितने साधन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी में लोगों को अपनी बात पहुंचाने का है, शायद पूरे भारत की किसी कंपनी में नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गैल्वे, जय भारत।